उज्जैन जिले में प्रशासन लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवा रहा है। लॉकडाउन होने के बाद भी शहर की सड़कों पर निकलने वाले फालतू लोगों पर सख्ती करते हुए शुक्रवार को तीसरे दिन 100 से अधिक लोगों पर धारा 188 के उल्लंघन में प्रकरण दर्ज कर माधव कॉलेज अस्थायी जेल में भेजा गया। उज्जैन जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 16 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सख्ती करते हुए पूरे मार्केट को बंद करवा दिया है। वहीं नगर निगम दूध, सब्जी और किराने का सामान घर पर ही उपलब्ध करवा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम नहीं हो रही थी। इसलिए उज्जैन पुलिस ने शहर में बेवजह घूमने वाले 100 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। इन आरोपियों को माधव नगर अस्थायी जेल में रखा जा रहा है। आरोपियों के हाथ पर मैं समाज का दुश्मन हूँ, इसकी सील लगाई जा रही है। के अंतर्गत आज भी जिन लोगों ने उल्लंघन किया है, उन लोगों को यहाँ अस्थायी जेल में लाके बंद किया गया है। लगभग 100 लोग ऐसे हैं जिनको सुबह से लेकर अभी तक अस्थायी जेल में बंद किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जो चोरी छुपी दुकानें खोल रही है, जिनकी शिकायत मिल रही है, उनके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई करके उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया। अभी तो सभी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ा गया है जिनके पास जेन्युइन कागज थे या जो जस्टिफाई कर पाए कि वो